जय यीशु परमेश्वर के नाम से मैं आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 8 और 9। सुनने के बाद ही उत्तर दो और बोलने वालों को मत टोको। जो मामला तुमसे संबंध नहीं रखता उसके विषय में झगड़ा मत करो और दुष्टों के विवाद में मत पड़ो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें एक चीज सिखा रहा है कि जिस प्रकार तुम एक जीवन जीते हो, पहले सुनो फिर उसका उत्तर देना, और जो कोई बात करता है उसके बीच में टोको मत, और अगर किसी और का झगड़ा हो रहा है इसके बीच में अपना उंगली मत डालो। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के मामले में मगन होने में बहुत अच्छे हैं। हमें मजा आता है दूसरों के घर में अगर कुछ तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, हम वहां जाके ज्ञान बांटने में बहुत ज्ञानी लोग हैं हम लोग, क्योंकि हमें पसंद है। भले हमें मालूम नहीं है वहां क्यों झगड़ा हो रहा है, लेकिन हम जाकर ज्ञान बांटेंगे और सही गलत का फैसला हम वही खड़े खड़े निपटा लेंगे कि ये सही था, ये गलत थी, उसकी माँ सही थी, उसका बाप सही था, उसका बेटा सही, उसकी बेटी सही है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है पहले सुनो फिर जवाब दो। उत्तर आता है केवल तभी जवाब देना है, उत्तर नहीं आता है झूठा ज्ञान नहीं देना है। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये सीख दे रहा है कि अगर एक जीवन जी रहे हो तो उस प्रकार जियो कि लोग तुम्हें देख के परमेश्वर की वाही वाही करें, ना केवल देख कर तुम्हें कहे अरे ये तो हमेशा गलत ही चीज कहता है, ये तो दूसरे के उसमें टांग अड़ाते रहता है, ये उस प्रकार का जीवन जी रहा है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, जिस प्रकार का जीवन आप जी रहे हो, आप दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, लोग भी आपके बारे में बात करते रहेंगे। जिस प्रकार आपको मजा आता है दूसरे के बारे में निंदा करने का, लोग आपके बारे में भी निंदा करते रहेंगे। अगर हम सही है, परमेश्वर के वचन में चल रहे है, तो सब सही है। अगर हम गलत है, उसके वचनों में नहीं चल रहे है, तो हमारे लिए हर एक लोग गलत है और लोगों के लिए हम गलत है। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सब जन से कह रहे हैं, जानते हुए जवाब है तब जानकर जवाब देना, पहले सुनना फिर जवाब देना। और अगर कहीं भी कुछ हो रहा है, अगर नहीं मालूम है तो अपना टांग नहीं अड़ाना। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इतने सुंदर से हमें अपने जीवन जीने का सीख सिखा रहे, तो उसको आज पकड़ कर उस वचन को हमारे जीवन में मांस बनने के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तू जानता है कि हम जवाब दे देते हैं बिना सोचे बिना समझे, और परमेश्वर हमारा जवाब का उत्तर जो भी रहता है वो लोगों को निंदा करना ही रहता, क्योंकि हम जो थोड़े से ज्ञान हमारे अंदर रहता है उसी के बारे में परमेश्वर हम इतना चीज बोल देते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण होता है कि खाली मटका ज्यादा आवाज करता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारा खाली बुद्धि बहुत आवाज करता है। लोगों को सुनने से पहले ही हम जवाब दे देते हैं, और कहीं अगर कुछ हो रहा है परमेश्वर, हम वहां जाकर अपना ज्ञान रखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो सब चीजों के लिए परमेश्वर हम माफी चाहते। तू चाहता है परमेश्वर के जिस प्रकार स्वर्गीय पिता पवित्र है, हम पवित्र बने, तो आज परमेश्वर पवित्र राह में चलने के लिए हमें सिखा, क्योंकि तेरा शब्द कहता है कि तेरे शब्द हमारे पैर के परमेश्वर दिया है और तू हमें वो मार्ग दर्शन में चलाएगा। तो परमेश्वर हमें सही मार्ग, सही दर्शन और सही चीज में चला परमेश्वर। परमेश्वर भले हम बड़े हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें चलना नहीं आता तेरे वचन। आज हम प्रार्थना करते कि हमें एक जीवन जीना सिखा, हम जो भी करें तेरे राज्य के अनुसार करें, और यही प्रार्थना इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री।